दोस्तों आज के शानदार वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिरी के एक महीने में ऐसी क्या चीज आप पढ़ लें कि आपका कट ऑफ पहली बार में ही निकल जाए। तो इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। देखो होता क्या है दोस्तों, अगर आप आखिरी के एक महीने में आप क्या चीज पढ़ते हैं इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन। अगर आप सही चीजों को पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हो एक एक दो दो नंबर से भी लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है। तो ये बहुत मैटर कर रहा है कि आखिरी के एक महीने में अगर आपने सही चीजें ना पढ़ी, पूरे साल अच्छे से पढ़ते रहे लेकिन आखिरी के एक महीने में गड़बड़ कर दी तो कट ऑफ नहीं निकलेगा। आपको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखो सारे पेपर आपको दिख रहे होंगे। ये देखो यूपी पीसीएस 2022 का पेपर है, ये देखो आरओ 2021 का पेपर है, यूपी पीसीएस 2021 का क्वेश्चन पेपर है, 2020 वाला पेपर है, इसके बाद में ये 2023 वाला क्वेश्चन है यूपी पीसीएस का। यानी कि ये जो सारे एनालिसिस मैंने ऑलरेडी कर रखी है, पिछले 5 वर्षों के पेपर को मैंने, ये आप देख सकते हो सारे पेपर्स को एनालिसिस कर रखा है। इसमें से ये पता चला है कि अगर आप आखिरी समय में इन पेपर्स को अपने सामने रखिए और इसको एक तरफ से ओपन करते जाइए। अब इसमें क्या करना है कि जो जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पिछले 5 वर्षों में, उन वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछा गया है वो पूरा का पूरा टॉपिक आप पढ़ डालिए, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा लेकिन जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछा गया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन यहां पर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 18, ये है, एक टॉपिक है ग्रीन हाउस गैस के ऊपर। इसमें 4 गैसों के नाम दे दिए हैं और पूछा गया कि बताओ इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है और कौन सी नहीं है। देखो 2022 में भी पूछा गया, इसके अलावा 2019 में भी ग्रीन हाउस गैस का एक क्वेश्चन पूछा गया, इसके अलावा 2020 में भी ये सेम क्वेश्चन, मतलब सेम टॉपिक से, क्वेश्चन सेम नहीं है, ऑप्शन चेंज कर दिए गए लेकिन टॉपिक सेम है। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें से क्वेश्चन थोड़ी ना रिपीट करता है, वो टॉपिक रिपीट करता है। आप ये कभी मत सोचो कि कोई क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाएगा, सेम टू सेम नहीं आता है, आपको वो टॉपिक रिपीट मारता है। तो अगर आप ये काम खुद से कर सकते हो तो आप खुद से कर सकते हो, अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो हम ऑलरेडी ये काम करवा रहे हैं। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर हमने ब्रह्मास्त्र नाम से एक बैच शुरू किया है, उसमें ये सब कुछ हम करा के आपको दे रहे हैं। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस उसको बैच को ले लेना है और पढ़ते जाना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको बैच लेना है। अगर आप ये चीज़ खुद से कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। जैसे यूपी पीसीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक का कौन सा शिलालेख जो है इसके रिलीजियस सिंथेसिस के बारे में बताता है। यानी कि यहाँ से आपको ये पता चला कि अशोक के शिलालेख टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक के 13वें शिलालेख में क्या लिखा है, उसमें अशोक को किस नाम से बुलाया गया है। यानी कि अशोक के शिलालेख बार बार पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, तो आपको एक टॉपिक रिवीजन कर लेना है अशोक के शिलालेख, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। अगर आप सोच रहे हो कि हम कोई बुक उठाएं और एक तरफ से पूरा पढ़ना शुरू कर दें तो वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कम समय में कोशिश ये करो कि वो सेलेक्टेड टॉपिक आप ज़्यादा पढ़ो, जो जिनके पूछे जाने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, सीधी सी बात है। दूसरा एक टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ जो बार बार रिपीट हो रहा है, यूपी पीसीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनमें से कौन सा सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है। यानी कि एक चैप्टर है जिसका नाम है एनर्जी रिसोर्सेस, उससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, प्रदूषण से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में देखो एक टॉपिक है जिसका नाम है पॉवर्टी। तो अगर आप इस तरीके से जब आप पढ़ते हो तो आप किसी एक सब्जेक्ट में नहीं फंसते हो, आप क्या करते हो, हिस्ट्री भी आपको रिवीजन हो जाएगी, ज्योग्राफी भी रिवीजन हो जाएगा, इकोनॉमी भी रिवीजन हो जाएगा, और वो सभी टॉपिक भी आपके रिवीजन हो जाएंगे जो शायद आपने छोड़ रखे हैं या फिर पढ़े नहीं हैं। जैसे एक देखो टॉपिक है पॉवर्टी, गरीबी, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, और 2022 में पॉवर्टी टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 और 13। एक देखो टॉपिक यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये शायद आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है, एक लिस्ट दे दी गई है महासागरों के नाम और उनके सबसे गहरे पॉइंट आपको पूछे गए हैं। तो इसमें आपको एक टॉपिक रिवीजन कर लेना है, महासागर और उनके गहरे बिंदु, ठीक है। तो इस तरीके से एनालिसिस करके अगर आप पिछले 5 वर्षों के पेपर को कर लोगे, आप विश्वास मानो जितना स्कोर आज आपकी डेट में कर रहे हो उससे कम से कम नहीं तो 50 नंबर ज़्यादा लेकर आओगे, कट ऑफ बहुत आसानी से निकल जाएगी, कोई रोक नहीं सकता है आपका कट ऑफ निकालने में। तो आप इस चीज़ को खुद से कर सकते हो, टॉपिक निकाल निकाल के पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ हमारा जो ब्रह्मास्त्र वाला बैच है उसमें हमने ऑलरेडी करा दिया है। आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए, आपके टाइम की बचत हो जाएगी, आप सीधे वहाँ से उसको लीजिए और उसका फ़ायदा उठाइए। जो लोग ऑलरेडी हमारा पेड बैच ले चुके हैं उनको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, उनके बैच में हमने ब्रह्मास्त्र फ्री में दे दिया है। थैंक यू सो मच गाइस, चैनल को फॉलो कर लेना, कोई दिक्कत हो तो मैसेज करना।